दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर राजेश तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता ने नया भारत दर्पण समाचार की टीम ने खास बातचीत की। राजेश तिवारी ने कहा, हम लोग गांधीवादी हैं, मुकदमों और गोलियों से नहीं डरने वाले। राजेश ने कहा, जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठियां चार्ज की जा रही, ये सरकार डरी हुई सरकार है। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग शांतिपूर्ण मशाल जुलूस निकाल कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार के रवैये से पुलिस प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं काफी चोटें आई। जिसको लेकर अजय राय सिंह ने सुल्तानपुर पहुंचे और कहा, हम लोग 5 तारीख को जुलूस निकाल कर धरना प्रदर्शन देंगे इस सरकार के खिलाफ। राजेश तिवारी ने महंगाई को लेकर घिरते हुए गैस सिलेंडर 350 में था। अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को सर पर लेकर घूमती, आज 1200 रुपए में है तो महंगाई डायन नहीं डार्लिंग लग रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा, चीनी का रेट उन्होंने बताया था 13 रुपए किलो मिलेगी अमेठी में, लेकिन आज चीनी के रेट को बता दीजिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार, मैं हूं हरकेश यादव। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश तिवारी जी हैं, इनसे आज हम बातचीत करेंगे। सर, जैसे अभी आपके जुलूस निकाला गया, उस पर लाठीचार्ज किया गया कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्या कहने चाह रहे हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार अडानी को लेकर संसद में प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति 4-5 साल पहले विश्व की वरीयता सूची में 609 नंबर पे था, वो आज कैसे विश्व के टॉप 10 में आ गया। हमारा प्रश्न है कि जो फेक कंपनियों ने पैसा लगाया अडानी की कंपनी में, वो कंपनियां कौन कौन है? और सबसे बड़ा प्रश्न हमारा है कि आखिर एक प्रधानमंत्री का एक उद्योगपति से ऐसा कौन सा रिश्ता है जो बोल नहीं रहे हैं? हमारे सांसदों ने मांग की लोकसभा में कि ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आप जेपीसी गठित कर दीजिए। लेकिन जेपीसी गठित करने के नाम पे वो सांसद, जहां आखिर जो लोकसभा में निर्वाचित सांसद है, अगर लोकसभा के सदन में नहीं बोलेगा तो कहां बोलेगा? राहुल जी लगातार प्रश्न करते रहे कि आप जेपीसी गठित करिए, कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दल कहते रहे कि आप जेपीसी गठित करिए, लेकिन दाल में कुछ काला है। पहले हम लोग सुना करते थे कि कहानियां सुना करते थे कि किसी राजा की जान तोते में होती थी, वैसे मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री की जान अडानी में अटकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब राहुल जी ने आवाज़ उठाई, तो पूरे संसदीय इतिहास में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि एक महीने में ऐसा मुकदमा, जिसको कॉम्प्लीमेंट ने खुद स्टे कर रखा था, उसने मुकदमा दायर किया, अपना स्टे हटवाया, एक महीने में जज ने मैक्सिमम सजा, हीनियस क्राइम में कोई मैक्सिमम सजा नहीं होती, आपको भी पता है कितने मर्डर के केस, किसने मनी लॉन्ड्रिंग के केस कितने पड़े हैं, उन पे 10-10, 15-15, 20-20 साल सुनवाई नहीं होती। लेकिन मानहान के छोटे से मुकदमे में वो राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी को, ललित मोदी को चोर कहा, उन्होंने किसी काम किसी समुदाय को लेकर चोर नहीं कहा। अगर हमारे घर में कोई चोर आता है तो क्या उसको हम कहेंगे श्रीमान जी चोर? चोरी चोर को चोर कहेंगे? चोर को तब भी चोर उन्होंने कहा था, चोर को हम लोग आज भी चोर कह रहे हैं। उन्हीं सब बातों को लेके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का एक संदेश था कि मशाल जुलूस निकाली जाएगी। मशाल से अंधकार दूर होता है, जो इन्होंने अंधकार फैला रखा है, भय का, भूख का, बेरोजगारी का, डर का, कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, ये डरने लगे कि कांग्रेसी जब मशाल लेके निकलता है, क्योंकि कांग्रेसी जब मशाल लेके निकला था तो अंग्रेजों को उस देश से भगा दिया था। सर, लेकिन जैसे प्रशासन कह रहा है कि उसकी अनुमति नहीं मिली थी। देखिए, हम सांस लेने की अनुमति तो लेंगे नहीं कि भैया हमको सांस लेनी है, और क्रांति जो होती है वो पूछ के नहीं की जाती, विद्रोह कभी पूछ के नहीं किया जाता। हमारी जेन्युइन मांग थी, हम शांतिपूर्वक ढंग से गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम शांतिपूर्ण ढंग से मशाल निकालना चाहते थे। लेकिन पहली बार की सरकार योगी की पुलिस ने डरी हुई है कि लोकतंत्र में कहीं आवाज़ न उठे, आप चीखे ना, आप या आपके अंदर रह जाए। हमारे कार्यालय के भीतर घुस के उन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, कहीं चोरी का खुलासा नहीं करती, डकैती का खुलासा आए दिन, मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, उस पर योगी पुलिस सक्रिय नहीं है। लेकिन जो गांधीवादी लोग शांति तरीके से मशाल जुलूस में, मशाल निकालना आप बताइए क्या जुर्म है? क्या मशाल लेके चलना क्या जुर्म है? क्या नहीं? लेकिन योगी की सरकार है, उनको आवाज़ें चाहिए नहीं, उनका अन्याय सहते रहिए। लेकिन कांग्रेसी लाठीचार्ज से, गोलियों से हमारा बलिदान का इतिहास रहा है, हमारा इतिहास अंग्रेजों की मुखबिरी का नहीं रहा है, हमारे नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, वही डीएनए हमारे बीच में। हम सर, लेकिन जैसे सूत्रों से पता चल रहा है कि आपके ऊपर कल मुकदमा लिखा गया है। ये मुकदमा तो अलंकरण है, मेडल है, मुकदमे से, लाठी से, गोली से कांग्रेसी नहीं डरता। आप देख लीजिए महात्मा गांधी के ऊपर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, कौन, पंडित नेहरू, इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जेल में बिताया है।
तो क्रांति होती है मौखिक नहीं होती, क्रांति का रेवोल्यूशन दिखाया जाता है। तो हम लोग ऐसे मुकदमों से, इनकी लाठियों से, गोलियों से कोई डरने वाले नहीं है। ना हमारा हमारा प्रदर्शन रुकेगा, ना हमारा संघर्ष रुकेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हम इनकी बर्बरता के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार, हम पूछते हैं क्या कि रोजगार क्यों नहीं, हम पूछते हैं कानून व्यवस्था क्यों नहीं, हम पूछते हैं लोगों के मन में भय क्यों है, आप जवाब क्यों नहीं देते? लोकतंत्र में जवाब देना पड़ेगा आपको, आपको हिपोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में रिप्लाईज मस्ट, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जान लीजिए, आपकी लाठी गोली मुकदमा इन सब का कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरा छात्र राजनीति का इतिहास रहा है, आपको भी पता है, 20 साल से हम लोग सत्ता में नहीं, 30 साल से, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा वही एक रास्ता है। वो रास्ता अहिंसक तरीके से होगा, गांधी की विचारधारा। अभी आगामी 5 तारीख को सुल्तानपुर में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, प्रतिरोध सभा होने जा रही है, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। चलता रहेगा कारवां, वो मुकदमा करते रहें, हमारा मंतव्य खत्म नहीं कर सकते। सर, जैसे आपने कहा बेरोजगारी की बात है, कि एक मुद्दा और आता है, जैसे विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का एक घोषणा पत्र आया था, होली और दीपावली में गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, लेकिन होली के टाइम पर 50 रुपये बढ़ा दिया गया, इस पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अरे आए दिन आप, जब 400 रुपये में सिलेंडर था कांग्रेस रिज्यूम में, तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी। कांग्रेस के जमाने में महंगाई डाइन थी, और भाजपा के जमाने में महंगाई डार्लिंग हो गई है। अंतर आप समझिए, हर तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, ये तो जुमला आते हैं, न डरेंगे, ये अराजकता के खिलाफ कांग्रेस की जो मसाल है ये चलती रहेगी, फांसी, लाठी, गोली, जेल, कोई भय नहीं इसका। हमारी लड़ाई जनता के हक और हुकूक की लड़ाई है, हम इसको लड़ते रहेंगे। हमारे साथ राजेश तिवारी जी थे, इन्होंने कहा कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ हरकेश यादव की रिपोर्ट, सुल्तानपुर तक। अभी गैस सिलेंडर की बात हो रही थी, उस पर क्या? देखिए, भाजपा के जमाने, जब कांग्रेस के जमाने में 400 रुपये में सिलेंडर होता था, हमारे बगल का जनपद है अमेठी, आप भी जानते होंगे, सांसद स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी। कांग्रेस के जमाने में जो महंगाई डाइन थी, मोदी और योगी के जमाने में महंगाई डार्लिंग हो गई है। अब कोई कहीं कहीं कोई चूड़ी नहीं भेज रही स्मृति ईरानी जी। अमेठी आई थी, कह रही थी आप हमको जिताइए, हम 13 रुपये किलो चीनी देंगे, बाकायदा वीडियो वायरल है, हर जगह वीडियो है। लेकिन अब चीनी कहाँ है, खाद्य पदार्थों का दाम कितना बढ़ा है, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना, इन्होंने गैस सिलेंडर दिया। लेकिन आप सर्वे कर लीजिए हरकेश जी, आप कहीं जाइए पूछ लीजिए, पता करिए कि जिनको सिलेंडर एक बार मिल गया था भर के, कितने प्रतिशत लोगों ने उसको फिर से दोबारा भरवाया है? मुझे लगता है कि 1-2% लोगों ने शायद भरवाया हो। गैस सिलेंडर 1200 रुपये में, तो जुमलों की सरकार है, इनको झूठ बोलना है। इनके पास दो आधार हैं, एक सांप्रदायिकता, दूसरा हिंदू मुस्लिम। हमारी तुलना पहले कहाँ से होती थी? हमारी तुलना जब कांग्रेस की सरकारें थी, तो हमारी दक्षिण एशिया, हमारी तुलना चाइना से होती थी, कि भारत चाइना के पास है, चाइना को हराने का। आज क्या है, हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं। आप बताइए, पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना है क्या? हमारे न संसाधनों के बराबर है, जितनी हमारे यहाँ सेना है उतनी उसकी पॉपुलेशन होगी। लेकिन इनका काम है, जो काम नहीं करता वो धर्म का सहारा लेता है, धर्म को जो विदूषित रूप है वो राजनीति में लेके आए हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, जहाँ जहाँ असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, हर जगह कांग्रेस जीत रही है। गांधी की विचारधारा हो सकता है थोड़ा देर में अपील करे, लेकिन गांधी ने अंग्रेजों को हराया था, तो हम पहले अंग्रेजों से लड़े थे, गोरी चमड़ों वालों से, अब काली चमड़े वाले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तब भी अंग्रेज हारे थे, अब भी अंग्रेज हारेंगे। सर, जैसे आपके अभी अजय राय जी आए हैं, जो सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं, कुछ संदेश उन्होंने कहा कि 5 तारीख को हम जुलूस फिर निकालेंगे, तो क्या ऐसे में प्रशासन आप लोगों को जैसे अरेस्ट कर लेते हैं तो क्या करेंगे? अरे अरेस्ट हम तो कह रहे हैं, गिरफ्तार करें, तो स्वेच्छा से। सच की लड़ाई के लिए, मैंने कई बार आपसे कहा, सच की लड़ाई के लिए चाहे हमें गोली मार दें, हमें जेल भेज दें, हमें फांसी पे लटका दें, हम उस कांग्रेस के वारिस हैं जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। महात्मा गांधी से लेके एक गांधी परिवार का जो चला आ रहा है संघर्ष का रास्ता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक। अब देखिए राहुल जी के साथ क्या हो रहा है, को घर से निकाल दिया गया, घर से निकाल क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए पूरा देश घर है, राहुल गांधी सबके दिलों में रहते हैं। मोदी जी पागल हुए हैं सब हर बात में, अगर आज अभी लाइट चली जाए तो कहेंगे नेहरू का दोष है। दोषारोपण के अलावा बताइए, जितनी नवरत्ना कंपनियां कांग्रेस ने बनाई, जितने पब्लिक सेक्टर के सारे प्रोग्राम थे, सारा बेच रहे हैं, जे सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, जितनी कंपनी रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को इन्होंने आमंत्रित किया है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।